टांगे वाला हूँ मैं, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मेरा दोस्त है ऊपर वाला। भैया दो ग्लूकोज की बोतल ले आना। एक आपने अक्सर स्लैंग सुना होगा इंडिया में, रियल मैन। According to you, what's the definition of real men? Who can protect a girl? Real men should have a purpose in life. जो respect करे ladies की, it's like a boozer personality. मूछे होनी जरूरी है असली मर्द। जो flirt करने में expert हो। जो कुड़ियाँ दी जहाँ अधी माँ पहन दी इज्जत करे। जो society में हर किसी की respect करे। It is not that you are just getting a huge bulk of body. Mm-hmm. It means that you just respect the woman. Who have a respect for a नेशन, जो सारी बंदियों को इम्प्रेस कर सके। आई थिंक हु रिस्पेक्ट्स अ वुमन, जो पूरी फैमिली को चला सके और पूरी रिस्पांसिबिलिटी ले सके। मोदी जी जैसे होने चाहिए, रियल मर्द मोदी जी। बड़ों की इज्जत करे, किसी के साथ बुरा ना करे, अपना एक पर्सनैलिटी कैरी करे, कॉन्फिडेंस के साथ रहे, रिस्पॉन्सिबल हो। Who cares about people who are around them? Just someone with respect and someone with maturity. Man with lot of responsibilities, that's all. जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले। Who faces each and every challenges of life with a smiling face. Responsible and caring. Slang India में बहुत मशहूर है, मर्द को दर्द नहीं होता। What's your take on that? बिल्कुल गलत। मर्द को बिल्कुल दर्द होता है और दर्द होना भी चाहिए। जिसको दर्द नहीं वो मर्द नहीं। दर्द तो होता है, जब मर्द होता है तो दर्द होता है। मर्द को दर्द बिल्कुल होता है यार, क्या बात कर दी यार, बहुत दर्द होता है यार। जिसको दर्द नहीं होता वो मर्द नहीं होता। इट्स नॉट ट्रू, लाइक सबको ही को दर्द होता है। कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसे दर्द करवाया आओ कभी हवेली में, बहुत होता है दर्द। क्यों भाई, हर किसी को दर्द होता है, वो मर्द है तो क्या इंसान नहीं है, उसके अंदर में दिल नहीं है? नहीं भाई, ये बिल्कुल झूठी बात है, सिर्फ कहने वाली बात है। मर्द को दर्द होता है और बहुत दर्द होता है। मर्द को दर्द होता है लेकिन वो बेयर करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। क्यों नहीं होता यार, बिल्कुल होता है। मर्द को भी फीलिंग्स होती हैं, है ना। मर्द भी रोता है, हम भी रोते हैं। मर्द को होता है, ऑब्वियसली होता है। इट्स लाइक ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। होता है या यस होता है। कोई भी लड़की छोड़ के जाए, कुड़ी का दर्द दिल से। यहाँ पे मैन डोमिनेंस ही है तो ऑब्वियसली बात है, वो लोग अपना ओवरकम दिखाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को सबसे ज्यादा दर्द होता है। दर्द सभी को होता है, मर्द हुआ तो भी उसे दर्द होता ही है। दर्द होता है बट दे डोंट शो इट, दे हैव अ कैपेसिटी टू डाइजेस्ट इट। जब लड़के छोटे होते हैं ना, क्यों रो रहा है, लड़की है क्या? इट्स हैपेंस, इट्स एक्चुअली देयर। सो डू मेन क्राई? इमोशनली जो हर्ट होते हैं, सम काइंड ऑफ इमोशनली हर्ट हो जाते हैं कभी कभार, सो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम मैन वुड क्राई। इफ यू आर डिस्कसिंग योर इमोशंस विद समवन लाइक, देन दे से कि ये लड़की है क्या, माइंडसेट है कि अगर लड़के रोएंगे तो हां ये लड़का रो रहा है, इसलिए लड़के चाहे भी तो नहीं रो सकते। सोसाइटी का है कि मेन रो नहीं सकते, बट हर एक फीलिंग तो सबके अनुभूति तो सबके अंदर होती है। दिस इज नॉट सो, आजकल अगर देखा जाए तो दोनों रोते हैं यार। हाँ थोड़ा है क्या, लड़कियों में फीलिंग ज़्यादा होता है, इमोशन जल्दी आ जाता है, तो हाँ वो रोते हैं, बट लड़कों में इमोशन नहीं आता जल्दी। दे डू क्राई, रोते तो सब हैं, जेंट्स भी रोते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब इमोशनल फीलिंग उनके अंदर में कोई आती है, कोई हर्ट कर देता है उनको बहुत ज़्यादा, तब उनको रोना। मेरे हिसाब से रोना है तो रोना चाहिए और जब हंसना है तो हंसना चाहिए। एक्चुअली द थिंग इज कि रोना भी एक इमोशन है और सारे इमोशन मेरे हिसाब से हमें एक्सप्रेस करने ही चाहिए ऑटोमेटिकली। ये तो ये ह्यूमन नेचर है, हम अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो फिर हम ह्यूमन कैसे हुए? देयर आर सम हु बिलीव कि नहीं, वी शुड हाइड आवर इमोशंस, वी शुड नॉट क्राई। आई डोंट थिंक एनीबॉडी शुड बी फोर्स्ड टू नॉट क्राई। अगर किसी को लगता है, उनको ऐसे फील हो रहा है कि दे वांट टू क्राई, दे कैन गो अहेड एंड क्राई। लड़कों का भी हार्ट होता है और वो रोते भी हैं। सबको हक है रोने का, अगर आप रोएंगे नहीं तो आपके इमोशन रिलीज नहीं होते। आई जस्ट थिंक दैट गर्ल्स एंड बॉय शुड बी ब्रॉट अप सिमिलरली व्हाइल कीपिंग इन माइंड द डिफरेंसेस। ये एक्चुअली गलत बात है, सोसाइटी ने जस्ट बातें बनाई हैं कि लड़कियों की तरह के रोता है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन की बात है, रोता हर कोई। इफ सिचुएशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद पर्सन्स हार्ट एंड इट इज जेन्युइन टू क्राई बिकॉज इट इज अ प्रॉपर वे टू फ्लो द इमोशन। वीमेन्स आर मोर इमोशनल, इसी वजह से ये कहावत बनी हुई है। और बट मर्द भी इमोशन हार होते हैं, इमोशनल होते हैं।